इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। इसमें क्लियर है जब एक्स जीरो को टेंड करेगा तो डिनोमिनेटर जीरो को टेंड करेगा, लेकिन न्यूमिनेटर जीरो को टेंड करेगा। इसका लॉजिक ये है कि एज यू नो दैट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ए एंड बी। ऑब्वियसली यदि बी ए के करीब आएगा तो एरिया विल टेंड टू जीरो, वट एवर इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एक्स। ध्यान रखना बी ए के करीब आएगा तो एरिया जीरो को टेंड करेगा, इस बात को ट्रू होने के लिए एफ एक्स का कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। और ये क्लियर है कि साइन रूट टी इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, हेंस आई कैन से दैट एज एक्स टेंड जीरो द न्यूमिनेटर विल श्योरली टेंड टू जीरो। और न्यूमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है तो ये क्वेश्चन 0.0 वाली इन डिटर्मिनेट फॉर्म में हो गया। हेंस वी आर अलाउड टू यूज लॉपिटल रूल एंड क्लियरली फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर वील हैव टू यूज न्यूटन लेबनीट्स फार्मूला। ये वाला फार्मूला आपने प्रिपरेशन के दौरान जरूर पढ़ा होगा। एंड यूजिंग दैट फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर विल बी टी की जगह पहले हम एक्स के लिखेंगे इन टू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स के, दैट इज आई विल गेट साइन ऑफ एक्स इन टू 2x माइनस साइन ऑफ 0 इंटू 0 अपॉन में 3x स्क्वायर लिमिट x टेंड टू 0। और ये क्लियर है दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू लिमिट x टेंड 0 साइन x अपॉन x, एक x तो कैंसिल हो गया एंड देयरफॉर आई हैव गॉट द आंसर 2/3। Hence, I can say first choice is the correct choice.